दोस्तों एक बार भीम के गांव में लगा होता है मेला और कुछ लोग दोस्तों यहां पे आते हैं और सांड को आपस में लड़वाते हैं दोस्तों। और तभी एक आदमी सांड को अपने तैयार कर रहा होता, तभी अचानक दोस्तों सांड ने उसको पीछे से इकला तेज से मार दिया। दोस्तों जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा दोस्तों ये फैक्ट वीडियो कैसे बनाना है, आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। कहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करना है, कहाँ से वीडियो क्लिप लेना है, कार्टून दोस्तों वीडियो का फैक्ट कैसे बनाना है, सारा कुछ आज इस वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, जो भी चैनल में ये वीडियो पहली बार आ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मेरा नाम जयदेव, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सहज हो। तो दोस्तों मेरा टाइम की वीडियो को स्टार्ट। वैसे तो आप दोस्तों कोई भी शॉर्ट दोस्तों फैक्ट बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप कार्टून फैक्ट बनाएंगे। तो गाइस उसके लिए आपको YouTube पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है माय लिटिल भीम, उसके बाद दोस्तों आपको काफी सारा यहाँ पे वीडियो दिख जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर दोस्तों यहाँ से आप डाउनलोड नहीं करना या डाउनलोड नहीं हो रहा तो दोस्तों आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ये दोस्तों जाकर www.netflix.com में जाकर दोस्तों डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपने इसको भी डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, वीडियो डाउनलोड कर लिया है। अब आपको बैकग्राउंड दोस्तों म्यूजिक लेना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है फैक्ट, ठीक है। फैक्ट लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है, फैक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, इस तरीके से आपको लिख के सर्च करना है। नो कॉपीराइट आगे लिख दीजिए या कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों जैसे आप लिख के सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको सामने फैक्ट जो बैकग्राउंड म्यूजिक दोस्तों आ जाएगा, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अब दोस्तों म्यूजिक भी डाउनलोड हो चुकी है और हमारी वीडियो क्लिप भी डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। अब करते हैं वीडियो को एडिट। अब वीडियो को एडिट कैसे करना है सारा प्रोसेस आपको आगे समझ में आ जाएगा, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। दोस्तों काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों 1.1 रेशियो पे सेलेक्ट करके आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं जस्ट आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और जो वीडियो आपने डाउनलोड किया था उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक नेटफ्लिक्स दोस्तों डाउनलोड किया था इस वीडियो को बिल्कुल HD क्वालिटी में, यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, तो इस तरीके से वीडियो आ जाएगी। अब यहाँ पर आपका दोस्तों ये काइनमास्टर में ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपको जितना वीडियो को लेना है दोस्तों उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों यानी जितनी लंबी आपको वीडियो को लेंथ रखना है कम से कम दोस्तों 50 सेकंड से दोस्तों कम ही रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना लंबा आपको लेना है उस तरीके से इसको यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहे जैसे कि मुझे इतना ही लंबा रखना, तो यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। अब दोस्तों बस इतनी वीडियो बनाना है अब हमको। अब इस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दोस्तों मिल जाएगा पैन एंड जूम का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो डबल दोस्तों लाइन दिया है उस पर क्लिक करना है और इसको इस तरीके से आप करना है और इसको पूरा इस तरीके से दोस्तों जूम कर लेना, ठीक है। इतना आप लोग जूम कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल दोस्तों रहता है, आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग का जो इस तरीके से दोस्तों चलेगा। अब इस पर क्लिक करके एक बार वीडियो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मिक्सर पर क्लिक करेंगे वॉइस वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है, वॉइस को ऑफ कर देंगे। अब आपको दोस्तों यहाँ पे लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पे टेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों जो वीडियो का आपका दोस्तों रहेगा शीर्षक उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो जैसे यहाँ मैं दोस्तों लिख दिया भीम ने ऐसा क्यों किया, ठीक है, भीम ने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे एक टू मैं लगा था दोस्तों इमोजी, यहाँ पे इस तरीके से लिखना है आपको। ए फॉन्ट पे जाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर फॉन्ट को भी आपको अपने हिसाब से आप दोस्तों रख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रोबोटो बोल्ड रख देता हूँ और यहाँ पर कलर पे क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों आपको ब्लैक कर देना है। इस तरीके से जाना दोस्तों नीचे बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करके यहाँ पर इस तरीके से इसको कर देना है पूरा येलो, आपने देखा होगा, ठीक है, येलो कर दीजिएगा आप लोग पूरा। उसके बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है और इसको ऑन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर फुल विथ बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। उसके बाद इसको इस तरीके से यहाँ से ऐसा सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से पूरा अच्छे से आप लोग एडजस्ट कर दीजिएगा। जितनी दोस्तों जितना ज़्यादा टाइम आप इस पर स्पेंड करेंगे उतनी ज़्यादा बेटर आपकी वीडियो एडिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से रख दिया। अब वैसे आपको वीडियो पर क्लिक करना है, इसको ऊपर की साइड इस तरीके से आप करेंगे पैनल जूम पर क्लिक करके, उसके बाद फिर से एक बार इसको ऊपर की साइड आपको बढ़ा देना है बस। अब आप इसके जो पूरी लेंथ को पूरा एंड तक रख देना जितनी लंबी आपकी वीडियो होगी, ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा रख देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका लोगो होगा तो दोस्तों यहाँ पर आप साइड में लोगो भी ऐड कर दीजिएगा, अगर यहाँ पर आपके पास लोगो है, ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और जो भी चैनल का नेम रहेगा उसको यहाँ पर आप जरूर से लिखिएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ जैद जोन लिख देता हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। इस तरीके से यहाँ पर आपको लिख देना है। इसका दोस्तों फॉन्ट भी आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये हो गया। अब दोस्तों अब आपको वॉइस रिकॉर्ड करना है, बिल्कुल सिंपल दोस्तों, इसमें से वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक नहीं है तो कोई भी अनदर एप्लीकेशन का यूज करके आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको बोलना रहेगा उसको आप बोल के दोस्तों यहाँ वॉइस रिकॉर्डिंग करके यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है और सॉरी यहाँ पर
ऑडियो पे क्लिक करना, ऑडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सॉन्ग्स में जाना या रिकॉर्ड में जाना, तुरंत आपको आ जाएगा, तुरंत आपको यहाँ सेलेक्ट करके इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि मैं आपको भी करके दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक वॉइस ऐड, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको इसको एडिट करने के लिए यहाँ पर इको पे क्लिक करना है। इको दोस्तों क्लिक करने के बाद जस्ट आपको नीचे यहाँ पर ट्रिपल रेडियो दोस्तों नीचे यहाँ पर वॉइस दिख रहा है, या वॉइस पर आपको सेलेक्ट करना है या आर एट बी पे क्लिक करना, ठीक है। दोनों में से कोई कभी आप दोस्तों रख के सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये होता है बिल्कुल सिंपल दोस्तों, यहाँ पर आप वॉइस को भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब वॉइस को एडिट कर लिया है, अब सब काम हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब दोस्तों यहाँ पर आपने बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना, जो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, लेयर पर क्लिक करके आप लोग ऑडियो पर क्लिक कर बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। और दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के बाद आपका पूरा जो कि फैक्ट वीडियो तैयार हो चुका है, कार्टून फैक्ट, अब इस पर क्लिक करना है सेव वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको FHD में 180 पे पी करके यहाँ पर 10.38 MB/s पे आप क्लिक करके सेव वाले वीडियो पर क्लिक करना, आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी हेल्प चाहिए डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।